सभी को, जैसे कि आप सबको बताया आज गणपति उत्सव का लास्ट डे था, तो मैं अभी अभी अपने इको फ्रेंडली गणपति जी का विसर्जन करके आई हूँ घर में ही। तो हर साल तो विसर्जन करके आते थे तो घर में नहीं, एक जगह जो हमेशा सजी हुई रहती थी, लाइट्स लगी होती थी, वहां पे मिठाइयां पड़ी होती थी, कोई बैठा होता था, पूजा करते थे, बड़ा मजा आता था। तो वापस आके वो जब खाली खाली लगता है तो बहुत मिस करते हैं ना वो सब चीजें। तो इस साल का विसर्जन ना मेरे लिए कुछ अलग था, क्योंकि कोई चीज जब आपने हाथों से बनाई होती है ना तो आपको वो सब चीज याद आती है कि कहाँ से उसकी मिट्टी से शुरुआत की थी, हाथ बनाए थे, पैर बनाए थे, और फिर वो चीज जाके मिट्टी में मिल जाती है, बहुत इमोशनल हो जाता है, खुशी भी होती है, अच्छा भी लगता है, सब कुछ होता है। तो एक चीज जाते जाते बोल के जाना चाहती हूँ कि हम सब ना भगवान को भगवान की तरह ही समझते हैं, ऐसे बोलते हैं ये भगवान जी मेरी ये मन्नत पूरी कर दो, वो मन्नत पूरी कर दो। नहीं यार, कभी भगवान को दोस्त बनाकर देखा है कि हाय डूड व्हाट्सअप कैसा है, सब स्वर्ग लोक में सही चल रहा है कि नहीं? मैं तो इवन ना अपने हॉस्टल में एक छोटे से गणपति रखी हूँ, सुबह जाने से पहले ना ऐसे फ्लाइंग की सी देके जाती हूँ, टाटा जल्दी आऊंगी ऐसे बोल के। तो ना एक भगवान ऐसा दोस्त है कि जिस मूर्ति के आप सामने रखो, आप जितने घंटे चाहे बोलना चाहो बोल दो, वो शांति से आपकी बात सुनेंगे, कभी आपको पलट के जवाब नहीं देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, पर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आपकी बात किसी ने सुनी, आपको सच में अच्छा लगेगा। तो ना भगवान से दोस्ती कर लो, सही में मजा आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा। और अब छोटी छोटी क्लिप्स देख लो जो मैंने शूट की है, ठीक है। मिलेगा ये जी गणपति बाप्पा का भोजन।